हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स ऑल ऑफ यू चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्लास में वी हैड कंप्लीटेड सम नंबर 19 नाउ टुडे लेट्स मूव टू सम नंबर 21 सो ऑल ऑफ यू आज के इस क्लास में हम मोस्टली इस चैप्टर के सारे मेन सम्स फिनिश कर लेंगे सो लेट्स सी 21 अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेंस ओके

वन ट्वेंटी फोर पेन वो खरीदने की तैयारी दिखा रही है अगर उनमें से कोई अच्छा वाला पेन मिल गया तो बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव शॉप की प्रोबेबिलिटी दैट बाइटी फोर केसेज में शी विल बाईट एंड इन द रिमेनिंग ट्वेंटी शी विल नॉट बाईट दैट इजी कम ऑन ट्वेंटी फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग विथ मी तो बोले तो अ लॉट ऑफ वन फोर्टी फोर पेन

144 वो 144 में से कोई भी एक पेन ले सकती है ना वॉट डू वी वॉन्ट पार्ट वन शील बाइट तो बोले तो लेट इवेंट ए शो दैट नूरी वॉट शी डू बताओ 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 दैट नूरी बाइस पेन ठीक है तो नूरी कब पेन बाय करने वाली है आप मुझे बताओ नूरी बाय पेन कब करने वाली है तो इट इज वी नो इफ इट इज गुड she is going to buy if it is good. Therefore, favourable outcomes are favourable results are 124. 124 cases, mein, Nori is going to buy the pen because give going on Fine, so P of E is 124 by 144, 124 by 144. Let's see apne फोर का टेबल तो लगा ही सकते हैं तो फोर का टेबल हेयर थर्टी वन टाइम्स आंट वन फोर्टी फोर फोर्थ टेबल इज थर्टी सिक्स टाइम्स तो थर्टी वन बाय थर्टी सिक्स इस बात है ठीक है डन कम ऑन व्हाट्स पार्ट टू लेट्स सी शील नॉट बाइट तो हम लिखेंगे इवेंट एफ लेट इवेंट एफ शो लेट इवेंट एफ शो दैट नूरी विल नॉट बाय पेन आप मुझे बताइए नूरी का पेन नहीं बाय करने वाली आपको पता ही है नूरी का पेन नहीं बाय करने वाली नूरी इज नॉट गोइंग टू बाई द पेन इफ इट इज डिफेक्टिव आई सेड इफ इट इज डिफेक्टिव डिफेक्टिव पेन होगा तो नूरी जी बोल रही है नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए सो केमॉन सो दे आर फॉर बोले तो फेवरेबल रिजल्ट आर फेवरेबल रिजल्ट आर बताइए 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 ट्वेल्व सो कम ऑन पी एफ एफ इस ट्वेल्व बाई आई एम सॉरी नॉट ट्वेल्व दिज आर ट्वेंटी पेंट विच आर नॉट गुड ट्वेल्व नहीं है ट्वेंटी है ट्वेल्व ऐसे ही आगे मन से ट्वेंटी ट्वेंटी बाई वन फोर्टी फोर सो इट इज फाइव बाई थर्टी सिक्स क्या बात है ऑल्टरनेटिवली हम इसको इस तरह भी ढूंढ सकते थे वन माइनस थर्टी वन बाय थर्टी सिक्स तो इट वु डॉ बीन अगेन फाइव बाय थर्टी सिक्स दिस इज अनदर वे ठीक है चलो डन दिस इज वेरी सिंपल सम कैसा लग रहा है अच्छा चलो इतने सम करते करते काफी आगे आ गए अभी तो बोले टेक्स्ट बुक में टोटल आर आर सम्स वी ऑन गो अहेड फटाफट से दूसरे सम्स भी सीख लेते हैं सो दैट हमारा ये चैप्टर खत्म ही हो जाए फाइन ट्वेंटी सेकेंड लेट्स रीड कम ऑन ट्वेंटी फर्स्ट को हटा देते हैं और ट्वेंटी टू को ट्रैक पे ले आते हैं ट्वेंटी टू सम रेफर टू एग्जाम्पल नंबर थर्टीन अच्छा एग्जाम्पल थर्टीन हमने किया हुआ है Complete द following टेबल मैं करवा देता हूं ये क्या है इवेंट इज sum sum two डाइस हाँ मुझे याद आ गया हमने लास्ट क्लास में सम किया था इन विच देयर वर्टी सिक्स सेट्स एंड दे इन विच देर वर्टी सिक्स सेट्स थर्टी सिक्स सेट्स ऑफ रोलिंग टू डाइस बोले तो टू डाइस को रोल करने से थर्टी सिक्स सेट्स आते वो वाले सेट्स है ठीक है

36 सिक्स सेट्स में से कुछ सेट्स का टोटल टू है कुछ का थ्री है कुछ का फोर है कुछ का फाइव है कुछ का सिक्स है तो ऑल आर नॉट हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी सो वन बाय एलेवन आंसर नहीं आने वाला है द पर्सन हु इज हुर इज क्लेमिंग इज हैविंग हाफ नॉलेज सो डू यू एग्री दिस दिस आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई योर आंसर वी विल वी विल वी विल कोई प्रॉब्लम नहीं है हम थर्टी सिक्स सेट्स को पहले यहाँ ले आते हैं जो हमने पहले बना के रखे थे ठीक है सर कहाँ से आएगा इन्होंने खुद नहीं तो बता दिया कि एग्जाम्पल थर्टीन में आपने सॉल्व करे थे ये रहे वो आपको याद आ रहे थे मुझे तो याद आ रहे थे बताइए ये सेट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ ये सेट्स ऐसा है फर्स्ट था पे वन फर्स्ट पे टू फर्स्ट पे थ्री फर्स्ट पे फोर फर्स्ट पे फाइव फर्स्ट पे सिक्स तो सेकंड पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ सकता है सेकंड पे टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ सकता है इस तरह की ये सेट बनाए हुए आई एम कॉपिंग दी सेट्स फ्रॉम ह्यो टू दियो ठीक है आई एल जस्ट कॉपीट हियर अपने कॉपी मार लिया है और अभी वहां लिख देते हैं देन उसको समझने का कोशिश करते हैं हियर इज आर सम ठीक है sum. हमारा सम ये रहा कमॉन अभी आई से जस्ट अ मिनट इट इज टू बी पिस्टेड य आ गया मस्त ये आ गया यहां पे हमारे लिए सर तो हम लिखे क्या नो नो नीड टू सी इन्होंने खुद नहीं आपको बोला है रेफर टू द एग्जाम्पल थर्टीन पार्ट वन थर्टीन तो वो हमने कर लिया अभी पार्ट वन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल तो हम ये टेबल ले लेते ले हैं स्टार्ट करते हैं सम ऑफ कम ऑन इट इज सम टू डाइस एंड इज प्रोबैबलिटी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी सम ऑन टू डाइज एंड देन इट्स प्रोबैबिलिटी तो मैं आपको बताऊ हम ये सेट्स यहाँ लिख देंगे ना तो हमको प्रोबेबलिटी लिखना भी ईजी रहेगा आप मेरी बात अगर मानो तो ठीक है आपको भी ईजी लगेगा सम क्या हो सकता है बताओ सम क्या हो सकता है मिनिमम सम कैन बी टू यू नो एज द फर्स्ट सेट इज़ वन वन और हाइएस सम कैन बी ट्वेल्व एज द लास्ट सेट इज सिक्स सिक्स तो अपने सम हो सकता है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सम कैन बी टू टू ट्वेल्व ठीक है अभी आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ चलो इसमें से जैसे वन वन इज़ हैविंग सम टू वन टू इज़ हैविंग सम थ्री वन थ्री इज हैविंग सम फोर वन फोर इज हैविंग सम फाइव वन फाइव इज हैविंग सम सिक्स एंड वन सिक्स इज हैविंग सम सेवन तो हम ऐसे वर्बली काउंट करें इससे थोड़ा इजी ऐसे हो जाएगा सी वन वन इज़ हैविंग टू टोटल ठीक है वन वन

एंड थ्री फाइव इज एट एंड थ्री सिक्स इज नाइन समझ पड़ रहा है इज़ी लग रहा है फोर की लाइन के लिए बताइए फोर वन इज़ फाइव फोर टू इज सिक्स फोर थ्री इज़ सेवन फोर फोर इज़ एट फोर फाइव इज़ नाइन एंड फोर सिक्स इज टेन ठीक है अभी फाइव की लाइन के लिए बताइए फाइव की लाइन फाइव की लाइन फाइव की लाइन फाइव की लाइन फाइव वन इज सिक्स फाइव वन इज सिक्स फाइव टू इज सेवन फाइव थ्री इज एट फाइव फोर इज नाइन फ़ाइव फाइव इज़ टेन एंड फाइव सिक्स इज़ इलेवन पक्का बाकी सिक्स की लाइन सिक्स वन इज़ सेवन क्या बात है सिक्स वन इज सेवन सिक्स टू इज़ एट सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स तो सर आपने तो बहुत मेहनत करके टेबल ऊपर से कॉपी मारा आपने टेबल तो देखा भी नहीं तुमको दिखाने के लिए कॉपी मारा बेटा एल्स आई डोंट नीड इट सो ऑल ऑफ यू अब मैं आपको बता सकता हूँ अब हमारी पूरी टेबल रेडी हो गई है वन वन इज वन सेट आउट ऑफ थर्टी सिक्स दीज आर टू सेट्स आउट ऑफ थर्टी सिक्स दीज आर थ्री सेट्स आउट ऑफ थर्टी सिक्स दीज आर फोर सेट्स आउट ऑफ थर्टी सिक्स दीज आर फाइव केसेज आउट ऑफ थर्टी सिक्स सिक्स केसेज आउट ऑफ थर्टी सिक्स फाइव केसेज आउट ऑफ थर्टी सिक्स फोर केसेज आउट ऑफ थर्टी सिक्स थ्री केसेज आउट ऑफ थर्टी सिक्स टू केसेज आउट ऑफ थर्टी सिक्स एंड वन केस आउट ऑफ थर्टी सिक्स सर कैसे गिरा दिस इज वन दीज आर टू सेट्स ज आर थ्री दीज आर फोर फोर सेट ये एक दो तीन चार पांच ये एक दो तीन चार पांच छिस वे वी हैव काउंटेड ठीक है सेट ही गिनने और कुछ गिनना ही नहीं है तो अपना आंसर आ गया है ठीक है कमऑन तो ये टेबल कंप्लीट हो गया इन्होंने बोला टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा तो हम बात कर रहे हैं टेबल कंप्लीट हो गया वन बाय थर्टी सिक्स टू बाय थर्टी सिक्स थ्री बाय थर्टी सिक्स लिख दीजिए भले चाहिए तो कैम्प तो मैंने कम्प्लीट ही करा दिया टेक्स बुक में भी क्या कम्प्लीट करने का फोर बाय थर्टी सिक्स फाइव बाय थर्टी सिक्स सिक्स बाय थर्टी सिक्स फाइव बाय थर्टी सिक्स फोर बाय थर्टी सिक्स थ्री बाय थर्टी सिक्स टू बाय थर्टी सिक्स ठीक है ये हो गया कंप्लीट हो गई टेबल अब पार्ट टू अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देर आर एलेवन पॉसिबल आउटकम्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व देयर फॉर ईच ऑफ दैम शुड अव प्रोबेबिलिटी वन बाई डू यू अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई तो हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम ह्यो getting some as two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve are are what do you know are not are not equally likely events. वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है वो सेम प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट्स नहीं है किसी का वन चांस है किसी का टू किसी का थ्री किसी का फोर किसी का फाइव किसी का सिक्स किसी का सेवन सबका चांस सेम नहीं है आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कैन नॉट बी वन बाय इलेवन हैं स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट गिविन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट गिविन स्टेटमेंट इज फॉल्स पका कैसा लगा मस्त है मैंने आपके लिए पूरे के पूरे 36 सिक्स सेट्स को क्लासीफाई करके दिखा ही दिया और वो हमने यहाँ भर दिया है और अब हम बात कर रहे हैं कि देखो बेटा 36 सिक्स सेट्स है तो टू, सम थ्री सम फोर सम फाइव सिक्स सम सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ट्वेल्व सेम केसेस में नहीं आते हैं देर आर डिफरेंट केसेस तो वो इक्विलइकली नहीं है क्योंकि वो इक्विलइकली नहीं है तो सबका प्रोबेबिलिटी वन बाय नहीं हो सकता है पक्का पक्का मस्त है चलो बढ़िया है वाह अच्छा लगा आपके साथ ये सब करके पक्का हटा दो अभी श्योर सर क्यों हटा रहे हो पढ़ा रहने दो नहीं बेटा हमको नेक्स्ट सम के लिए थोड़ा जगह चाहिए और हमारे पास नेक्स्ट सम भी इसी के बेस पे एक है वो हम करेंगे तो विल नीड द स्पेस फाइन चलो कैरी ऑन अभी दिस वाज 22 नाउ 23 ट्वेंटी स्टार्ट करते हैं अ गेम कंसिस्टिंग ऑफ उटकम ईच टा अच्छा अच्छा एक कॉइन को तीन बार गाया है सर एक बार में एच ऑ टी रिजल्ट आते दो बार में एच 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 टी टी एच टी टी एच 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 टी टी एच टी टी फिर से बोलो एच 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 टी टी एच टी टी तो सर अभी तो तीन बार है तो तीन बार मैं सिखा रहा हूँ तीन बार का रिजल्ट कैसे आता है सी हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट यानी तीनों पे एच आए या तीनों पे टी थ्री एट्स और थ्री टेल्स एंड लूज अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी इज विनिंग द गेम एकदम ईजी है मैं आपको बहुत सरल तरीके से सिखा दूंगा यू विल इंजॉय डूइंग इट सी ट्वेंटी थर्ड लिखिए मजा आएगा आपको ओके थ्री कॉइंट्स आर टॉस्ट अब ये ना थ्री क्वाइंट्स के लिए लॉजिकली स्पीकिंग एक क्वाइंट पे हेड या टेल आ सकता है दूसरे पे भी हेड या टेल आ सकता है तीसरे पे भी हेड या टेल आ सकता है नाउ यू नीड टू एक्चुअली वर्कआउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज कि पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड ठीक है फिर पहले पे हेड दूसरे पे हेड लास्ट वाले पे टेल सो इट विल इट विल यूज यूर गुड ब्रेन आपका अच्छा खासा दिमाग चला जाएगा उसमें कि अब ये वर्कआउट करो मैं आपको उसका एक इजी तरीका सिखाता हूँ कॉइंस uh, का केसेस में

तो टू रिस्टू थ्री एट रिजल्ट आते हैं अभी है ना मैं आपको ये एट रिजल्ट बनाना सिखा देता हूं मेरा एकदम ईजी तरीका है थ्री क्वेंसर टॉस। तो कैसे लाते बताए सो टोटल पॉसिबल रिजल्ट आर ध्यान से देखिएगा अंदर का तरीका है दो कॉइन वाले रिजल्ट याद है बताओ 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 एच 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 टी टी एच टी टी तो वो दो बार लिखेंगे एच 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 टी टी एच टी टी फिर से बोलो दो कॉइन वाले रिजल्ट याद है बोलो 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 यस कौन से सो टोटल पॉसिबल रिजल्ट आ रहे हैं एच 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 टी टी एच टी टी दो वाले रिजल्ट याद है वो दो बार लिखो एच 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 टी टी एच टी टी दो के रिजल्ट तो रेडी थे ना अब तीसरे कॉइन पे क्या हो सकता है बताओ तीसरे कॉइन पे या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है तो हम उसको आगे लगा देंगे चार सेट के आगे हेड लगा देंगे चार सेट के आगे टेल लगा देंगे हो गया ये थ्री कॉइंस को टॉस करने का रिजल्ट है क्या बात है सर क्या बात करते हो थ्री कॉइंस टॉस करते तो उसके ये रिजल्ट होते हाँ बेटा तीनों पे एच आ सकते हैं दो पे एच आए लास्ट पे टी आए सेकंड वाले पे टी आए थर्ड वाले पे एच आए सेकंड वाले पे टी आए थर्ड वाले पे भी टी आए ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं दीज दीज आर आर दैट दैट बहुत सारे पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज दी एट कैन बी व्हेन यू टॉस थ्री जब आप तीन कॉइन को टॉस करो तो ये आठ रिजल्ट आता है सर ने बता दिए कैसा लग रहा है ठीक है कैसे बनाए मैंने फिर से दिखाऊं देखो मैंने ऐसा सिखाया कि आपको क्या करने पता है आपको मैंने ऐसा सिखाया कि दो कॉइन वाले रिजल्ट सिर्फ लिख लो दो कॉइन वाले ठीक है दो कॉइन के ये रिजल्ट है दो क्वाइंस वाले ठीक है दो बार लिखो एच 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 टी टीएसटी टी एच 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 टी टी एस टी टी चार के आगे एच चार के आगे टी वाओ तो आठ सेट हो जाते सो so, बोले टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स आर दिस सो दीज आर एट आउटकम्स पक्का अब 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 हमको क्या चाहिए अब हनीफ जीतने चाहिए वेन विल हनीफ विन तो बोले हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट ठीक है तो अपने वो उसको सॉल्व कर लेते चलो 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 लिखो लेट इवेंट ई लेट इवेंट ई शो दैट हनीफ विन्स चलो हनीफ कब विन करने वाले मुझे बताइए मिस्टर हनीफ कब विन करने वाले हैं जब दोनों क्वेंट्स दोनों टॉसेस में सेम रिजल्ट आते हो सो फेवरेबल केसेस आर मैंने दोनों बोला वो गलत था तीनों ट्रिपल एच आया तो भी हनीफ जीत जाएंगे ट्रिपल टी आया तो भी हनीफ जीत जाएंगे ट्रिपल एच में भी तीनों बैच है सब सेम है तीनों टी यानी तीनों टेल है वो भी ठीक है सो so,

अडाइस इज थ्रोन च्वाइस आपको मैंने बोला था कि आपको घूम के फिर के वापस आएगा ये हमारे करण अर्जुन है ठीक है ये हमारे पास वापस आएंगे ये हमारे पास ही वापस आए हैं देखो ये सेट सभी हमको यहाँ काम लगेंगे ठीक है मस्त मजा आएगा सुनो 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 क्या कहते तो बोले अडाइस इज थ्रोन च्वाइस वो कर दिया है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ओके तो हम लिखेंगे पहले ये सम व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी बाद में पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ट्वेंटी का आंसर समझ लेते हैं बोले लिखिए डाइस इज थ्रोन टाइस अडस इज थ्रोन टाइस सो पॉसिबल रिजल्ट आर थर्टी सिक्स पॉसिबल रिजल्ट आर थर्टी सिक्स वो अपने 36 के सेट बन गए अब क्या करना है पार्ट वन अब हम बात करेंगे इवेंट एक क्या मांग रहे ये लोग देखते हैं इवेंट ही नहीं इवेंट ही लिखते हैं यार इवेंट ही विल फॉलो द वे द टेक्स बुक इज राइटिंग

फाइव वंस वाला बताओ ई सेट आप बना सकते हो एटलीस्ट कम से कम फाइव दिख जाए एक बार कम से कम फाइव दिख जाए तो कहा वन फाइव में फाइव है टू फाइव में फाइव है थ्री फाइव में फाइव है फोर फाइव में फाइव है फाइव की पूरी लाइन फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव सर फाइव फाइव क्यों लिख रहे हो उसमें दो बार फाइव हाँ तो बेटा वो तो पहले लिखने का बताओ क्यों बताओ 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 क्यों लिखने का पहले क्योंकि क्यों? वो एटलीस्ट वन फाइव बोल रहे हैं एटलीस्ट एक बार फाई आना चाहिए तो दो बार आ रहा है तो तो अच्छी बात है आने दीजिए अगर दो बार फाई आ रहा है तो आने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आने दीजिए ठीक है वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स एंड सिक्स फाइव सो दीज आर इलेवन सेट्स तो बोले तो पी ओफ ई इज इलेवन बाय थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स केसेस में से इलेवन केसेस में फाइव एटलीस्ट वन आता है अब पार्ट वन तो नहीं है पार्ट टू था अब पार्ट वन करेंगे बताइए फाइव विल नॉट कम अप either टाइम फाइव नहीं आएगा तो इवेंट एव फाइव विल नॉट कम either टाइम्स ठीक है तो उसका आंसर आपने बताया है फाइव आने का चांस है इलेवन बाय थर्टी सिक्स तो फाइव नहीं आने का चांस है वन माइनस इलेवन बाय थर्टी सिक्स ठीक है इलेवन केसेस में फाइव आ सकता है आई सेड इलेवन केसेस में फाइव आ सकता है एक बार या दो बार एक बार या दो बार या ज़्यादा बार, बार मतलब फाइव आने का चांस है इलेवन बाय थर्टी सिक्स फाइव आने का चांस है इलेवन बाय थर्टी सिक्स तो फाइव नहीं आने का चांस है वन माइनस इलेवन बाय थर्टी सिक्स इट इज थर्टी सिक्स माइनस इलेवन ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स पक्का कैसा लग रहा है अच्छा चलो दिस इज ऑल अबाउट सम नंबर ट्वेंटी थ्री हो गया ट्वेंटी फोर हो गया नाउ द लास्ट सम ऑफ द टेक्स्ट बुक इज ट्वेंटी फाइव ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड एक्ट आर नॉट दिस इज द वर्बल डिस्कशन इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ठीक है चलो मेरी बात सुनिए तो बोले गिव द रीजन ऑफ योर आंसर हम बात कर रहे हैं ट्वेंटी फिफ्थ की इंट्स आर टॉर्च साइमल्टेनियसली देर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स टू हेड टू टू टेल्स वन ऑफ ईच तो नहीं तीन नहीं चार होते बट हेड टेल भी हो सकता है टेल हैड भी हो सकता है तो हेड हेड का प्रोबेबलिटी वन बाय फोर होता है एच टी टीएच का प्रोबेबलिटी टू बाय फोर होता है टी टी का प्रोबेबलिटी वन बाय फोर होता है ना देखो इन्होंने कुछ भी कहा उसके पहले हमने अपना दिमाग लगा दिए नो no, ने कुछ भी कहा उसके पहले हमने अपना दिमाग लगा दिया हमारे पास तो अपना दिमाग है ना वी कैन गेस ये टोल्सियसलीर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स नो देर आर नॉट थ्री देर आर फोर डबल एच डबल टी वन एच वी वन टी वन एच आर सेपरेट एच टी शोज पहले क्वॉइन पे हैड है दूसरे पे टहल है टी एच शोज पहले पे हैड है दूसरे पे हैड और दूसरे, दूसरे पहले पे टहल है दूसरे पे हैड है सो दीज आर डिफरेंट केसेस पक्का पक्का तो हेड आने का चांस वन बाय फोर हेड टेल टेल आने का चांस टू बाय फोर टेल आने का चांस वन बाय फोर देर फॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम प्रोबेबिलिटी इज वन बाय थ्री तो दिस इज बोले फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और नॉट करेक्ट सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस कैन नॉट बी वन बाय थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच केस इज वन बाय फोर सो चांसेस ऑफ लाइक यू नो टू हेड्स इज वन बाय फोर टू टेल्स इज वन बाय फोर वन ऑफ देम इज टू बाय फोर दैट इज वन बाय टू ठीक है तो गलत है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ट्वेंटी फाइव पास वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है रॉन्ग स्टेटमेंट पार्ट टू इफ अ डाइस थ्रोन ओके 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 डाई इज वन टू सिक्स रिजल्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स रिजल्ट पक्का देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स ऑड नंबर और इवेंट नंबर हाँ ठीक है ना टू फोर सिक्स आर इवेंट नंबर वन थ्री फाइव आर ऑड नंबर हाँ ठीक है इसमें कुछ गलत नहीं कह रहे अभी तक जो ये कहा हुआ है इसमें कुछ गलत नहीं है तो दे फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज हाफ तो ट्रू यस इट इज ट्रू ऑड नंबर आने का चांस भी हाफ और इवन नंबर आने का चांस भी हाफ आधे नंबर ऑड है तो हाफ चांस आधे नंबर इवन है तो हाफ चांस पक्का पक्का कैसा लग रहा है बोलो यस yes, फाइन सो बेटा ऑल ऑफ यू इसके साथ आई सेड इसके साथ हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है अब हमारे तीन ऐसे सम बाकी हैं विच आर नॉट फॉर एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट बट दोज आर इम्पोर्टेंट आई सेड दोज आर इम्पॉर्टेंट एंड वी आर लेफ्ट विथ फ्यू थ्योरी क्वेश्चन वो हम आज के सेशन में ही कंप्लीट कर लेंगे सो लेट्स रेफर द थ्योरी फर्स्ट पहले 15.1 का कुछ थ्योरी क्वेश्चन वहीं अपने टेक्स्ट बुक में लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवेंटी And not e the sum is 1 yes because we know P e and P of e not is always 1 probability of the event that cannot happen Jo event ho hi nahi sakta its probability is 0 such event is called impossible event impossible event Paka. probability of the event that is certain to happen certain sure to happen hoga, होगा होगा और होगा ही सर्टन टू इवेंट इज हैपन इज वन सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट भी बोलते हैं है, श्योर इवेंट भी बोलते हैं सर्टन इवेंट भी बोलते हैं श्योर इवेंट भी बोलते हैं ठीक है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज वन बेटा एलिमेंट्री यानी जैसे एक डाइस रोल करते हैं तो हेड और टेल तो हेड आने का चांस हाफ टेल आने का चांस हाफ टोटल इज वन ठीक है डाइस रोल करते तो सब नंबर आने का चांस वन बाय सिक्स 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 टल टोटल लगाएंगे तो वन आएगा एलिमेंट्री आउटकम्स का टोटल वन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मुझे पता है लेस देन और इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन जीरो टू वन ठीक है जोरदार बढ़िया मजा आया आपके साथ ये करके फर्स्ट सेकेंड वच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स आर हैविंग इक्वी लाइकली आउटकम ठीक है मेरी बात सुनिए कोई भी एक ऐसा इवेंट हो जिसके दो तीन चार पाँच छः जितने भी आउटकम हो सबका चांस इक्वल हो तो उसे इक्वी लाइकली कहते हैं नहीं तो उसे इक्वी लाइकली नहीं कहते हैं तो सुनिएगा इक्वली लाइकली अ ड्राइवर अटैम्प टू स्टार्ट अ कार कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट नहीं ये दो ऑप्शन नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ यस कार्ड स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट तो दो ही ऑप्शन है लेकिन कार्ड स्टार्ट होने का और स्टार्ट नहीं होने का इक्वल चांस नहीं है अब अपने घर के बाहर खड़ी रही कार को जब स्टार्ट करते हैं कितनी बार वो कार स्टार्ट नहीं होती सालों में एक बार दो साल में एक बार पाँच साल में एक बार बाकी सब बार तो चालू हो ही जाती है ना तो कार्ड स्टार्ट होने का चांस ज़्यादा है कार्ड स्टार्ट नहीं होने का चांस कम है तो नॉट इक्वली लाइकली ठीक है इसका आंसर ऐसा लिखेंगे हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कार और नॉट स्टार्टिंग ऑफ द कार कैन नॉट बी सेम सो दे आर नॉट इक्वली लाइकली ल इवेंट्स ठीक है फिर अ प्लेयर अटेम्प्ट शूट अ बास्केट बॉल शी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट नहीं ये भी जरूरी नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ एक प्लेयर है अभी प्लेयर है समझो कोई राजू जी सर ये राजू कौन है अरे समझो ऐसे कोई नाम ले लिया राजू जी बहुत शार्प प्लेयर है बहुत जबरदस्त प्लेयर है उनका शॉट लगने का 90 परसेंट चांस होता है तो नहीं लगने का 10 परसेंट चांस होता है और एक दूसरे मिस्टर राजू है उनके अगेंस्ट में शॉट नहीं लगने का 90 परसेंट चांस होता है लग जाने का टेन चांस होता है तो बेसिकली शॉर्ट लगेगा कि नहीं दैट डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ द पर्सन अगेन नॉट इक्वली लाइकली ठीक है पक्का पक्का शॉर्ट अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आंसर इज राइट और रॉन्ग इक्वली लाइकली सर क्या बात करते हो हाँ बेटा देखो अभी सीधी सी बात है दो बातें ट्रू या फॉल्स ट्रू होने का चांस भी फिफ्टी परसेंट है फॉल्स होने का चांस भी फिफ्टी परसेंट है कोई कितना सही है कितना गलत है उसका भरोसा नहीं है ना इक्वली लाइकली अ बेबी इज़ बॉर्न द बॉय इज अ बॉय और गर्ल तो वो भी इक्वली लाइकली होगा सीधी सी बात होती है

अभी एक काम करेंगे नाउ आल टिपिकली श्योर हमारे आपके डी टेक्स्ट बुक में दिए हुए सारे वो सम्स हो गए वच आर फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट लेकिन टेक्स्ट बुक के अभी तक के पोर्शन में तीन ऐसे सम हैं जिनके लिए लिखा हुआ था नॉट टू बी डन फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट नॉट टू बी डन फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट तो हम वो सम्स अभी डिस्कस कर सकते हैं लेट अस डिस्कस एनी ऑफ द दोस्त राइट नाउ एंड मे बी फ्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल ऑफ यू फिफ्टीन पॉइंट टू इज एन एक्सरसाइज जिसके अंदर के सारे सम्स के लिए ऐसा कहा गया है विच आर नॉट टू बी प्रिपेयर फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट बट आने वाले क्लास में हम वो वाले सारे सम्स करने वाले हैं सो दैट वी प्रैक्टिस द थिंग्स वेरी वेरी प्रॉपरली ठीक है चलो सम नंबर टेन

टोटल अवेलेबल टाइम टोटल अवेलेबल टाइम इज टू मिनट्स टोटल पॉसिबल टाइम के जैसा टोटल अवेलेबल टाइम इज टू मिनट्स ठीक है लेट ई इवेंट शो इट इज शो इट इज स्टॉप्ड इन फर्स्ट हाफ मिनट फर्स्ट हाफ मिनट में स्टॉप करे ठीक है तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम इज फेवरेबल आउटकम इज हाफ मिनट फेवरेबल आउटकम इज हाफ मिनट पक्का पक्का ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ हाफ मिनट बाय टू मिनट्स हाफ मिनट बाय टू मिनट्स वन बाय टू इंटू टू प्रोबेबिलिटी इज वन बाय फोर ज़रा टेंशन नहीं लेने का ठीक है पक्का पक्का इसको टाइम लाइन से भी समझा सकते हैं कि देखिए टोटल अपने पास ज़ीरो से टू मिनट्स का टाइम है हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि हाफ मिनट में गेम क्लोज हो जाए तो हाफ मिनट इज़ वन फोर्थ ऑफ टू मिनट्स हाफ मिनट इज़ वन फोर्थ ऑफ टू मिनट्स तो उसका चांस होता है वन बाय फोर ठीक है तो एक काम करते हैं आज इस एग्जाम्पल टेन के साथ अपने सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं आने वाले सेशन में आगे बढ़ेंगे तब तक के लिए बाय बाय ¡Suscríbete al canal!